हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि किसी भी चार्ज पेंडुलम को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो फिर उसके टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखें, एक एक करके वन बाय वन केस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, फर्स्ट केस क्या है आप? फर्स्ट केस है आपका, देखें, ये फर्स्ट केस है आपका कि मान लेते हैं कि ये मेरा एक प्लेट है, ये है पॉजिटिवली चार्ज। देखें, ये है पॉजिटिवली चार्ज और ये प्लेट है आपका ऊपर में, ये है निगेटिवली चार्ज। देखें, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है नीचे से ऊपर है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये कोई पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यहां से कोई पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है, इससे यह है सिंपल पेंडुलम और इस पर है चार्ज प्लस क्यू, मान लेते हैं हम। अब मान लीजिए इसको वाइब्रेट करके स्मॉल वाइब्रेशन दे दिए हैं और इसको छोड़ दिए हैं। मान लीजिए किसी क्षण ये बॉब ऐसे है, ये ऐसे आ गया, तो देखिए क्या होगा। तो इस पर ये कहता है कि ये एंगल बना रहा है यहां पर थीटा, तो देखें एक जी तो इसका नीचे एक्ट कर रहा है और एक जो फोर्स हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो लग रहा है इधर, इसलिए उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, QE by M हो जाएगा, यानी इस पर है चार्ज मेरा Q। तो देखिए, तो नाउ फोर्स ऑन द बॉब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, ये कितना होगा ये फोर्स, तो ये हमारा हो गया एफ ई फोर्स इक्वल टू क्यू ई। देयरफोर इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सीलरेशन, तो दिस इज योर क्यू ई डिवाइडेड बाय एम, वेयर एम इज द मास ऑफ बॉब। बॉब कौन है, ये है पॉइंट, दिस इज कॉल्ड मास ऑफ द बॉब। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ द बॉब को कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन के बीच के लेंथ को कहते हैं एल लेंथ, दैट इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये मेरा हो गया लेंथ ऑफ द पेंडुलम, या इसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम भी। क्लियर यहां तक? तो अब देखें, तो यहां और आप जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल टू टू पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, जो आप लिखते हैं वो क्या है, ए इफेक्टिव है, यानी नेट एक्सीलरेशन ऑन द बॉब। तो जब ये चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तब तो वहां पर हम सीधा लिख देते हैं जी। अब हम क्या लिखेंगे, अब ये लिखेंगे एक जी यहां पर एक्ट कर रहा है नीचे और एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ये चार्जेस के कारण क्यूई बाई एम लग रहा है ऊपर, इसलिए नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, यानी ए इफेक्टिव कितना होगा, तो देयरफॉर ई इफेक्टिव इक्वल टू हमारा हो जाएगा जी माइनस ये वैल्यू, यानी क्यूई अपॉन एम, इतना हो गया। देयरफॉर अब टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू पाई रूट अंडर एल अपॉन, और ए इफेक्टिव लिखिए यहां पर, तो दिस इक्वल टू टू पाई रूट अंडर एल अपॉन, ये वैल्यू लिखेंगे, यानी जी टू पाई रूट अंडर जी माइनस, देखिए जी माइनस क्यू ई अपॉन एम। अब देखिए यहां से हम क्या देखते हैं, यहां से आप ये देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का वैल्यू घट गया, इट मींस टाइम पीरियड इंक्रीजेज,
therefore here t increases. इसका मतलब यह है कि अगर e का वैल्यू हम बढ़ाते चले, e का वैल्यू अगर बढ़ाते जाए तो टाइम पीरियड ग्रेजुअली इंक्रीजेस. टाइम पीरियड ग्रेजुअली इंक्रीजेस का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि इस पेंडुलम को अब यहां से देखिए, ये है बॉब. अब यहां से आप मान लीजिए, यहां से आप काउंट करते हैं तो इस पॉइंट से छोड़ दीजिए ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, अब फिर ये चला जाएगा सी पॉइंट पर. अब यहां से यहां तक गया, अब फिर यहां से यहां तक आया, ये जितना टाइम लिया दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड. यानी ई का वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा. मान लीजिए स्टार्टिंग में जब ये चार्ज नहीं था तब था 2 सेकंड टाइम पीरियड इसका. अगर आप एल का वैल्यू 1 मीटर ले लेंगे तो लगभग यह 2 सेकंड ही फाइंड आउट होता है टाइम पीरियड. लेकिन जैसे ही ये चार्ज प्लेट के अंदर में हम रख देंगे, अब टाइम पीरियड बढ़ गया. अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 3 सेकंड हो जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है. लेकिन 2 सेकंड से तो ज्यादा ही रहेगा. अगर ये एल वैल्यू क्या हो, 1 मीटर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो ये था हमारा टाइम पीरियड इंक्रीज करता है. अब जस्ट नेक्स्ट केस देखिए, सेकंड केस क्या करता है. सेकंड केस में मान लेते हैं कि यह नीचे का ही प्लेट हो, निगेटिव प्लेट, ये हो जाए निगेटिव प्लेट और ये हमारा हो जाए पॉजिटिव प्लेट. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब बदल गया. अब सेकंड केस में ये आ गया आपका, ये सेकंड केस. सेकंड केस में अब ये बदल गया, अब क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा जी प्लस वैल्यू. क्यों? क्योंकि अब क्यू ई बाई एम अब इधर नहीं लग करके, अब ये भी लगेगा इधर ही. यानी क्यू ई अपॉन एम, देखिए यानी दोनों एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये जो मेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सीलरेशन, दोनों का डायरेक्शन एक ही हो गया. इसलिए अब क्या हो जाएगा, यहां प्लस हो गया. इट मीन्स टाइम पीरियड नाउ डिक्रीजेस. अब पहले 2 सेकंड था, अब हो जाएगा 1.8 सेकंड, 1.5 सेकंड, यानी 2 सेकंड से घट जाएगा टाइम पीरियड. कोई दिक्कत नहीं है. अब एक थर्ड केस भी है, वो देखें थर्ड केस क्या कहता है. तो थर्ड केस बहुत अच्छा केस है. और ये जो दोनों केसेस हैं, ये जो आपका जीई है, जेई, इसमें प्लस मेडिकल का जो टेस्ट होता है उस सब में, ये दोनों पर फर्स्ट केस और सेकंड केस से क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखिए. इसलिए ये सब चीज आपको पढ़ना बहुत जरूरी है. ये वैसे भी जानना बहुत टफ चीज है नहीं, ये क्लियर. अब देखिए थर्ड केस मेरा क्या है. तो थर्ड केस है आपका इस तरह से है, इंक्लाइंड प्लेन का केस है. वो क्या कहता है इंक्लाइंड प्लेन, ये मान लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है. अब इस पर एक ये प्लेट है मान लीजिए, अब इस पर ये है चार्ज, ये चार्ज रखा हुआ है इस प्लेट पर. देखें ये प्लेट है यानी, और दूसरा प्लेट यहां पर ऐसे है, जस्ट पैरेलल प्लेट है, बहुत लंबा सा प्लेट है. इस पर चार्ज है मान लीजिए निगेटिव, ऐसे है ये, यानी इस पर है प्लस चार्ज, इस पर है माइनस चार्ज और ये इंक्लिनेशन है इसका बीटा मान लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है. अब मान लें कि जैसे इस प्लेन में यानी इस इंक्लाइंड प्लेन में कोई व्हीकल मान लीजिए जा रहा है, इसे ऊपर जाए या नीचे आए उससे हमको कुछ मतलब नहीं है. अभी देखिए क्या क्या होगा. तो उसमें उस व्हीकल में एक पेंडुलम लटका हुआ है, वह पेंडुलम का पोजीशन यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मान लेते हैं ये है एस, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये वर्टिकल से, ये मेरा है वर्टिकल लाइन, इससे पेंडुलम मान लीजिए कि इतना एंगल बना दिया ये, तो ये एंगल मेरा हो गया है मान लेते हैं थीटा.
अब देखें क्या क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी हर हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव है ये ऐसे। अब इस पर है चार्ज, इस पर चार्ज क्या है, चार्ज क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है। तो देखें इसका एक वेट तो लगेगा नीचे, तो ये हमारा हो गया एम जी वेट। और ये जो फोर्स है क्यू ई फोर्स, ये तो ऐसे लगेगा ना ऐसे, देखें ये, तो दिस इज योर क्यू ई फोर्स लग जाएगा इधर की ओर। अब इसको आप आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा सा ऐसे, देखिए। और इस स्ट्रिंग में ये हमारा क्या है, मासलेस स्ट्रिंग है सिंपल पेंडुलम का, मान लेते हैं इसमें है टेंशन टी, तो ये एंगल आपका कितना हो गया, दिस इज योर बीटा एंगल। देखिए ये वर्टिकल से बढ़ा देगा बीटा, आप इसको चेक करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एंगल हमारा हो गया है थीटा। अब देखिए इस टी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, तो दिस इज योर टी कॉस थीटा हो गया, इस टी का कंपोनेंट इधर की ओर टी कॉस थीटा हो गया। और इसकी टी का कंपोनेंट एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या होगा हमारा, ये तो प्लस क्यू चार्ज है यहां, तो ये हमारा हो जाएगा टी साइन थीटा। देखिए ऐसे हो गया। अब चलिए क्यू ई का कंपोनेंट देखिए, तो क्यू ई का एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया क्यू ई कॉस बीटा, देखिए। और इस क्यू ई का एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर, तो ये हमारा हो जाएगा क्यू ई साइन बीटा। अब लिखेंगे सिंस बॉब इज, बॉब मींस ये बॉब, ये है बॉब सिंपल पेंडुलम का, सिंस द बॉब इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, इज एट रेस्ट फॉर ए वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, एट रेस्ट फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, क्लियर। एट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या कहिए एट, या एट इसको कहिए एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा। देखेंगे ये तो मार्कर हम चेंज कर लेते हैं, देखें ये, तो ये कहता है कि एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा, ये क्या मतलब होता है, आपको तो लगता होगा कि ये नया वर्ड कहां से आ गया, एंगुलर एम्पलीट्यूड। एंगुलर एम्पलीट्यूड होता है कि कोई भी बॉडी, जैसे ये पेंडुलम हमारा है, मान लीजिए ये है पेंडुलम का पोजीशन, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये किसी एक ओर कितना डिस्प्लेसमेंट आया, दिस इज थीटा, फिर ये इसे जाएगा इधर भी जाएगा, ये है थीटा। तो हेयर दिस थीटा मतलब मैक्सिमम अपने मीन पोजीशन से किसी एक ओर इधर या इधर जाने में ये कितना मैक्सिमम एंगल बना रहा है, दिस इज कॉल्ड योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, या एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। तो जब जब कोई भी पेंडुलम अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है तो वहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसका जीरो हो जाता है, उस क्षण एक बहुत कम टाइम के लिए उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, इसलिए यह फिर से अब रिटर्न होता है इधर की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। देखें नाउ ये कहता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहां पर थीटा, तो अभी तो बॉडी यहां पर क्या हो गया, रेस्ट में हो गया, इट मींस दिस टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्यू ई साइन थीटा, तो देयरफॉर टी साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं हियर क्यू ई साइन बीटा। देखें ये दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। और ये देखिए t cos थीटा प्लस क्यू ई कॉस बीटा इक्वल टू एम जी, यानी t cos थीटा प्लस क्यू ई कॉस बीटा, q
QE cos theta इक्वल टू क्या होगा मेरा, ये हो गया है mg, तो therefore इसको हम लिख सकते हैं P cos theta इक्वल टू क्या होगा mg minus QE cos theta। देखें ये इतना हो गया, इक्वेशन नंबर टू हो गया आपका, ठीक है। अब वन में टू से डिवाइड करते देखें क्या निकलता है, यानी आपको मांगेगा यहां पर क्वेश्चन में देगा कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसी में चार वैल्यू दिए रहेंगे, इसमें आपको करेक्ट में टिक लगाना है। तो देखिए कैसे निकाल लेंगे हम, वन में टू से डिवाइड करेंगे तो वन डिवाइडेड बाय टू इक्वेशन, तो क्या निकलेगा हम, ये निकल गया आपका टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया इतना डिवाइडेड बाई ये, यानी क्यू ई साइन बीटा होल डिवाइडेड बाय, और ये आपका हो गया एम जी, एम जी माइनस क्यू ई कॉस बीटा। देखिए तो ये वैल्यू हमको निकल गया एंगुलर एम्पलीट्यूड का वैल्यू, इस पेंडुलम का एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना होगा तो इतना होगा, ठीक है। अब और भी चीज आप देख सकते हैं कि ये कहता है कि अगर हम देखिए एंगुलर यानी थीटा का वैल्यू किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है बीटा पर भी वैल्यू और ई पर भी डिपेंड कर रहा है। देखिए ये यानी ये जो रेशियो है यही रेशियो देगा आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, या कहिए आप एंगुलर एम्पलीट्यूड का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। नेक्स्ट देखिए आप, अब हमको निकालना है इसका टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यहां पर, ये देखिए टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो नाउ इफेक्ट ऑफ टाइम पीरियड, या ऐसे कहिए इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, ऑन टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, ऑफ द पेंडुलम। देखिए ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर कि जैसे ये पॉइंट है हमारा है, देखिए ये है एस पॉइंट, फिर से फिगर में बना रहा हूं, और ये आपका है थीटा एंगल, ये है आपका थीटा, ये है आपका, ये ऐसे था और ये था आपका क्यू ई फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था इधर क्यू ई, इसका मतलब इधर की ओर एक्सीलरेशन कितना हो गया क्यू ई अपॉन एम, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉब, और ये है आपका एम जी, एम जी इससे एम हटा दीजिए तो ये हो गया जी, और ये है वैल्यू कितना बीटा एंगल, तो इसका मतलब है कि ये एक्सीलरेशन, इस एक्सीलरेशन और इस एक्सीलरेशन दोनों के बीच का एंगल हमारा हो गया पाई माइनस बीटा, क्लियर। देयरफॉर रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ दीज टू एक्सीलरेशन, यानी उसी को कहते हैं ए इफेक्टिव रिजल्टेंट एक्सीलरेशन को, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपको जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम का स्क्वायर और प्लस टू जी इंटू क्यू ई बाय एम और इंटू कॉस पाई माइनस बीटा ऐसे हम लोग लिखेंगे यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर नाउ देखें यहां क्या होगा, तो देयरफॉर दिस इफेक्टिव यानी दिस इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का स्क्वायर माइनस टू जी इंटू क्यू ई बाय एम इंटू कॉस बीटा, इतना हो गया आपका। देयरफॉर ए इफेक्टिव इक्वल टू हो गया रूट अंडर इतना, देखें
कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर नाउ टाइम पीरियड विल बी, अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा आपका, तो टाइम पीरियड हो गया टी इक्वल टू लिखेंगे 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन ए इफेक्टिव, ये यानी ये वैल्यू, तो दिस इक्वल टू ये आपका हो गया 2 पाई रूट अंडर, देखिए एल होल डिवाइडेड बाय फिर ये रूट यानी रूट अंडर, ये आपका हो गया जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का स्क्वायर माइनस 2g क्यू ई बाय एम इंटू कॉस बीटा, यानी इतना आपका हो गया टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। देखिए ये दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इतना देखें ये, तो ये आपका आ गया टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, ये इतना वैल्यू देखें ये। दिस इज कॉल्ड द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पेंडुलम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी पेंडुलम भी चार्ज पेंडुलम रहना चाहिए, यानी उसके बॉब पर कुछ ना कुछ अवश्य चार्ज हो, उस केस में टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ये हमारा आएगा। अब देखें फिर इसमें हम केस कर देते हैं, देखिए केस वन आ जाएगा, केस वन कैसे, ये कहता है कि इफ बीटा इक्वल टू हो 0 तब क्या हो गया, ये बीटा हो गया 0, इसका मतलब कॉस बीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉस बीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, तब तो इसको हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन, ये देखिए फिर ये रूट अंडर है ये, तो इसमें आ गया आपका रूट अंडर यानी जी स्क्वायर, और ये तो 1 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जी माइनस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं दिस इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई रूट अंडर एल डिवाइडेड बाय जी माइनस क्यू ई अपॉन एम, जो आपको फर्स्ट केस में हम बताए थे, देखिए उतना ही आ गया आपको, सिर्फ आपको बीटा वैल्यू 0 कर देना है, अभी अब ये इंक्लाइन प्लेन का केस नहीं है, लेकिन जैसे भी आपको इंक्लाइन प्लेन देता है, मान लीजिए इंक्लिनेशन यहां पर दे दिया है आपको 60 डिग्री, तो यहां पर कॉस बीटा का वैल्यू 60 लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और भी जो वैल्यू दिया हुआ है उसको प्लेस करके टाइम पीरियड हम फाइंड आउट कर देंगे। मेन है कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया, इसको आपको समझना जरूरी है। क्लियर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, देखें।